Hi guys, good morning, welcome back to our channel. अभी हमारी चल रही है माइक की शॉपिंग, क्योंकि अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, इतना आवाज आता है और मेरा वॉइस एकदम से नहीं सुनाई देता है. मैं इतना चिल्ला चिल्ला के गले फाट फाट के बात करती हूँ, तो इसीलिए गिर गया. तो इसीलिए मैं दीप को बोली कि प्लीज तुम मेरे लिए एक माइक ऑर्डर कर लो और मुझसे नहीं होगा इतना चिल्ला चिल्ला के बात करना. तो इसलिए दीप देख रहा है कौन सा ऑर्डर करेगा. दीप ने फाइनलाइज कर लिया है और हम लोग खरीद रहे हैं डिजिटेक का माइक. तो वायरलेस ही खरीदूंगी, वायर वाला तो दीप के पास पड़ा है, बट इतना सारा वायर लेके मैं इसे ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए वायरलेस ही बेस्ट है. और मेरा फेस का हालत, यहाँ पे इतने सारे डॉट अभी दिख रहे हैं. और आज हम लोग सोच रहे थे कि जाएंगे बाहर से ब्रेकफास्ट करके आएंगे, बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है. मुझे स्ट्रिक्टली मना है कि मैं धूप में नहीं जा सकती हूँ, और धूप में जाने के बाद फिर क्या होगा, मुझे इसलिए डर है. तो ये लोग अगर जाएंगे तो मेरे लिए लेके आ जाएंगे, जो बोली हूँ मैं लेके आ जाना वही चीज, नहीं तो ऐसे घर पे कुछ ब्रेकफास्ट बना के खाएंगे. खरीद लिया दीप ने, खरीद लिया, देखते हैं आने के बाद मैं दिखाऊंगी. वो गिर गिर के उसका हालत बेहाल हो चुका है, हायरो का स्प्रे. और क्या अपडेट है? सुबह सुबह जाने वाले तो बाहर खाने के लिए, तो नहीं जा रहे यार. सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह हमारा होता है 9 बजे. तो 9 बजे ही जाते हैं दुकान क्या? 5 बजे खुलता है? नहीं, सुबह से मतलब 6 बजे जाओ. 6 बजे कोई दुकान खुलता नहीं है यहाँ पे, ये बैंगलोर है. डिसाइड ये हुआ कि मिकी और दीप जाएंगे और ब्रेकफास्ट लेके आ जाएंगे. और मेरे लिए क्या लेके आओगे पता है ना? पुन्नू गुल्लू. आंध्रा में पुन्नू गुल्लू? हाँ, आंध्रा में पुन्नू गुल्लू बोलते हैं उसको. मुझे पता नहीं क्यों वो खाने को बहुत मन कर रहा है. अगर मिलता है तो वो लेके आना, नहीं तो इडली, बस मेरे लिए और कुछ नहीं. सरजापुर में नया एक बाबाई टिफिन खुला है, जो कि बहुत बड़ा एक आंध्र चेन है, फूड चेन. तो हम लोग वहाँ पे आए हैं. यहाँ पे तो भाई साहब बहुत भीड़ लगती है. अभी खैर इतना भीड़ नहीं है, तो हम लोग आए हैं, जल्दी जल्दी ऑर्डर करेंगे. यहाँ पे एक्चुअली माइक में वो अनाउंसमेंट कर रहे, तो बहुत आवाज़ आ रही है, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता. भैया 2 कॉफी. क्या सब लेके आए हो? मेरे लिए वो लेके आए हो? नहीं, वो हायरो शाम को ही मिलता है. बोल रही हूँ ना, वो इवनिंग स्नैक है. पुनुगुलू लिखा होता, पुनुगुलू मिलता है ना. हाँ, मुझे लगा ये लिखा होगा. क्या लेके आए फिर? सैंडविच के थोड़े ड्राई बस एडी दीप को इतला. दीप लाए है मैसूर बोंडा, ये भी मैं बहुत दिन के बाद खाऊंगी. ये मैं विप्रो में खाई थी, बहुत अच्छा लगता है. चटनी बहुत अच्छा है, मुझे हैदराबादी चटनी जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली उनका जो वो व्हाइट चटनी होता है वो मैं तो इसको लगा के राइस पे खा लेती थी जिस दिन अच्छा खाना नहीं मिलता था हैदराबाद में. तो दीप लाया है मसाला डोसा, उपमा, और क्या, और इडली, वड़ा, और ये मैसूर, ये क्या बोलते हैं, मैसूर बोंडा. मिकी क्या लाई है? मसाला डोसा. मिकी आज खाए की फर्स्ट है मसाला डोसा. और मेरा है आज इडली चटनी, और ये क्या रेड चटनी है, मतलब सांबर नहीं है. और ये भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है. दीप आ गया है अपना काम करने के लिए, अभी एक्चुअली वो प्रैक्टिस कर रहा है. दिखाओ तुमने अभी जो एक बनाया. हाँ, दीप अभी एनग्रेविंग सीख रहा है. काम खत्म हुआ, उसके बाद फ्रेशन अप हो गए. और आज एक्चुअली प्लान था जाने के लिए जयनगर फूड ब्लॉक, बट मैं ना एकदम से नहीं जा पाई, क्योंकि वही जो मेरा स्किन में जो प्रॉब्लम हुआ है उसी के लिए.
और वहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोची कि मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ उतना, और थोड़ा सा मुझे लूज पैंट पहनना पड़ेगा, इतना कार्टून बन के तो मैं एकदम से नहीं जा सकती, इसलिए छोड़ो एक बार मैं ये जब ख़त्म हो जाएगा तब जाऊँगी, अभी स्किप करूँगी। माँ और दादा गए हैं और अभी दीप का भी काम ख़त्म हो गया है तो वो भी आया है, अभी ऐसे ही बैठ के थोड़ा चिल करेंगे, टीवी देखेंगे। माँ दीप के लिए बनाई है आज इडली चटनी, 4 बज गया है अभी वो इडली चटनी खा रहा है, और मिकी को बुलाती हूँ, ऊपर है वो। मैं नहीं सोऊंगी, एक बार मैं रात में सोऊंगी, क्योंकि ये लगाने के बाद जितना जलता है ना, और उसके बाद मैं दोपहर में थोड़ा सा सो जाती हूँ, फिर रात में नींद नहीं आती है, मैं मछली की तरह छटपट 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 करती रहती हूँ, तो इसलिए एक बार में रात में सोऊंगी, पूरा आँख में नींद भर जाएगा, मेडिसिन लगाऊंगी, चुपचाप सोऊंगी। हाँ बनाऊंगी, बहुत मन कर रहा है अभी कुछ भी पीने को, थोड़े से रात हो जाए मैं जो अदरक वाली चाय बनाऊंगी मैं भी पीऊंगी। आधा घंटा मूवी देख ली और 5:23 हो गया है, मैंने दीप को बोला था एग्जैक्ट मैं 5:30 पे तुम्हारे लिए चाय बिठाऊंगी, 5:30 में चाय बिठाऊंगी और तुमको 6 बजे दूंगी, और मैं भी आधा घंटा चाय बनाऊंगी, मतलब सब कुछ रेडी करके मैं 6 बजे आऊंगी। ठीक है, क्या हुआ? मुझे काम करना, मुझे एकदम आलस लग रहा है बॉडी। तुमको एक्चुअली भूख लग रही है, तुमको थोड़ी सी नींद भी आ रही है? नहीं नहीं, मतलब भूख नहीं लग रही, और तुम्हें खा लिया मैं। चलो जिंजर टी बनाऊंगी आज मैं, इलायची नहीं है घर पे, नहीं तो इलायची बनाती, बट मैं पूरा कड़क चाय बनाऊंगी जिंजर देके। गर्मा गर्म चाय बन गया है, बस इसको छानना है, तो छानने में मैं एकदम से अच्छी नहीं हूँ, मेरा ना सब नीचे गिर जाता है, तो आई है एक्सपर्ट मिकी, वो अभी छानेगी। दिखा ना, दिखे भी पड़ी वो इस तरफ से सब ये गिराई गिराई गिराई। हाँ दीप का हो गया, दीप ले जाओ गर्मा गर्म चाय, दीप को, दीप के लिए इतना सा, तू इतना मोर कम, बस 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 पी के बताओ पहले। और मैं नेल पॉलिश लगा दी चाय बनाते बनाते, इतना घटिया लगाई हुई है इस बार, पानी पिए नहीं, जबरदस्त नींद खुल रही है। बाबा आज दीप पूरा दिन उठ का काम किया, 12 बजे से बैठे थे, आया 4-5 बजे, हाँ 4-5 घंटा तो किया है, अभी फाइनली रात में भी उसको करना था ये वाला काम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे हम लोग ये गणेश का वॉल हैंगिंग लगाने वाले हैं, इसलिए सब मेजरमेंट वगैरह दीप ले रहा है, बीच में लगाएगा, बस इसको हैंग करेगा तो सेट हो जाएगा। अब आ जाओ, देख रहे हो आपने हाइड्रोल भाप तो ना तरकारी का ये तुम्हारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ना ऐसे डिजाइन में, ऐसे स्टाइल में? सेकंड कौन सा फर्स्ट था? नहीं नहीं वो लेयर लेयर वाला, हाँ ये तो फर्स्ट था ना, इसलिए कुछ बोलो। अच्छा लग रहा, और बना ले देखेंगे, और एक जो बना लिए दिखाई नहीं अभी तक। बर्गर यहाँ पे लाइव काउंटर लग गया है, अभी बस सेट करके देना है। तो फर्स्ट जा रहा है तंदूरी में, हो मुझे तो तंदूरी में बहुत अच्छा लगता है, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड सॉस, उसके बाद मस्टर्ड सॉस, उसके बाद कैबेज और फिर प्याज, इटाकार जारी हो गया तो बनी है अच्छा, अमाटा बस टमाटो स्किप है, उसके बाद टमाटो और फिर बर्गर पैटी, फिर जाएगा ऑनियन, टमेटो, कैबेज, ऑनियन,
में पूरा ग्रेटेड चीज, थोड़ा सा सॉल्ट, बस रेडी। स्टील का प्लेट में इंडियन स्टाइल बर्गर। ये है आज का डिनर, बर्गर विथ केचप।